नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में क्या होने वाला है कि आप लोगों को पता ही होगा, मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई थी और मैं कहीं चला गया था, घर पे नहीं था। 10-15 दिन के बाद आज मैं आ रहा हूँ और आज मैं गाड़ी की बैटरी डलवाने जा रहा हूँ। हुआ क्या है कि पहले मैं टोयोटा के पास गया हूँ तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहे थे और वारंटी भी काफ़ी कम थी, मतलब 13,000 की बैटरी पड़ रही थी ऑटोमेटिक की, और देखा जाए तो वारंटी वो लोग 2 साल ही दे रहे थे। इसमें मुझे 55 महीने की वारंटी मिली है और बैटरी पड़ी है 9,000 रुपये की, एक साइड की बैटरी है। तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, कैसे लग रहा है, कैसा काम कर रहा है, एवरीथिंग। बोलना भी इधर, एक मिनट, सेम है ना। चलिए सही है, पुरानी वाली है। तो भाई ये है अपनी बैटरी, बिल्कुल सेम जैसी ये बैटरी आती है वही लिया है हमने। बाकी और भी एमरॉन वगैरह की मिल रही थी तो उसमें क्या था, ये इसका वारंटी कार्ड है, एमरॉन में मिल रही थी लेकिन उसका साइज़ का थोड़ा सा अंतर था, लेकिन इसमें बिल्कुल साइज़ वगैरह सब कुछ बढ़िया है, एकदम एग्जैक्ट वही साइज़ है। तो इसको एक बार हम लगा के देख लेते हैं कि ये लग पाती है या नहीं। ऐसे हटा दें जी, तो भैया रखिएगा, आराम से रखिएगा, नहीं आएगी। इसको भी दे दीजिए, आप पकड़ा दीजिए, देख लीजिएगा, रेड उधर था। हाँ ऐसे ही है, सेम है, बहुत बढ़िया। ये हो गया एकदम फिट बैठ गई है भाई। बस ये वो वाइट थी, ये रेड है, मतलब उसका ऊपर वाला ये ब्लैक था, इसका रेड है। इसको ये कैप खोलना पड़ेगा, ये कैप खोल दीजिए भाई। मैं आफ्टर मार्केट इसलिए लगवाया हूँ, टोयोटा वालों से नहीं लिया हूँ, फालतू का दुनिया भर का वो पैसा बढ़ा रहे थे और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब कितना मुझे 4,000 ज़्यादा देने पड़ते, वारंटी भी कम मिलती इसमें, अगर 2 साल में भी ख़राब होती है तो रिप्लेस हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लगा दें, इसके बाद स्क्रू टाइट कर दें, फिर गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी दिनों से बंद थी यार, घर ना रहने की वजह से ये सब पूरा बंद पड़ा था, वीडियो भी नहीं पड़ रही थी। अब आज से रेगुलर वीडियो भी पड़ेंगी, तो यार चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब इसको लगा के टाइट करके हम दिखाते हैं कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ आती हैं और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी आती है, दोनों की बैटरी अलग आती है। मैं जब टोयोटा पे गया था तो वो बताया, भैया मैनुअल की सस्ती है, ऑटोमेटिक की महंगी है। तो ये हम लोगों ने वहाँ से ना लेके फिर हमने एक्साइड वाले के पास से जाके ली है, ये उससे सस्ता पड़ी है, उससे ज़्यादा वारंटी है और ये भी ऑटोमेटिक वाली ही है। तो अभी ये जी तो भैया लगा रहे हैं, पूरा लग जाए, ये लग के कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ही टाइट करना होगा बस। उसमें दुनिया भर का कार्बन और बनाने लगा था वो। मुझे कैसे पता चला कि वो बैटरी ख़राब है, मैं ये आपको बता दूं कि जो इसमें ऑटोमेटिक गाड़ियों में आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का जो फीचर होता है वो काम करना बंद कर दिया था। अब वो क्या लिखता था कि बैटरी चार्जिंग लिख के आता था और वो फीचर नहीं काम करता था। तो इससे मुझे कहीं ना कहीं पता हो गया था कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। और भाई एक चीज़ और, गाड़ी की बैटरी जो होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बताती रहेगी कि मैं अपडेट हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वो डेड हो जाती है, फिर आप कहीं भी फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो पहले बैटरी चेक करवा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गाड़ी को टनवा के और लेके जाके सर्विस सेंटर में छोड़ दें। एक वायर, दो वायर हमने कॉपर का रखा था, उससे कनेक्ट करके हम किसी और गाड़ी से भी स्टार्ट कर लेते थे, तो उस हिसाब से हमने करा था। अगर आप कभी फंसे तो ऐसे करके ट्राई करें। अब मेरी लगी गई है लगभग लगभग, टाइट हो गई भैया पूरा, लीजिए इसको चालू करके दीजिए। ये गाड़ी से अभी, अरे पहले एक बार चालू करके देख लेते हैं फिर लगा लेंगे। तो भाई अब चालू करवा के देख लेते हैं कि चल चालू होती है कि नहीं। नई वाली बैटरी लग गई है अपनी, सही है। अरे हो गई जी, तो भैया सही है। एक बार एक्सेलरेट कर दीजिएगा थोड़ा तेजी से, बस बस बस। तो भाई
हाँ बंद कर दीजिए, हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हो गया अब तो, अब एक और काम बचा है, वो ये काम बचा है कि अब हमें कल ले जाके इसको दिखाना है कि इसका वो जो पीछे वाला टूटा फूटा है, लाइट जो फूटी है टेल लैम्प, वो कितने में रिप्लेस होगा, कितने में वो उसका डेंटिंग का काम होगा। तो ये था भाई आज का वीडियो, एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन भी है इसमें कि अगर आप कभी फंसे तो। एक बात बताएं, बैटरी आप खुद से भी रिप्लेस कर सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ले जाके आप वहाँ पे सर्विस वाले से ही करवाएंगे, आराम से रिप्लेस कर दीजिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी और घर पे ही सारा काम हो जाएगा। बस आपको थोड़े से वो रिंच वगैरह चाहिए होते हैं, पाना जी से बोलते हैं बस, और कुछ नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अभी नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके छोटे भाई का चैनल है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू।